एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। मत रिलीज करो पुष्पा मूवी को हिंदी में, प्लीज यार मत रिलीज करो, क्योंकि एज अ हिंदी ऑडियंस हम लोगों को इस तरह की मूवीज की आदत नहीं है। हम हिंदी ऑडियंस को 83 चंडीगढ़ करे आशिकी और जर्सी जैसी मूवी की आदत हो गई है। हम लोग इसी तरह की मूवी देखेंगे। हालांकि मैं जर्सी का नाम इसलिए ले रहा हूं, मैं ओरिजिनल तेलुगु मूवी जर्सी का नाम नहीं ले रहा, मैं रीमेक मूवी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग 150, 200, 300, 350 रीमेक मूवी के लिए देख लेंगे 83 जैसी वाहियात मूवी, जो कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं दूसरा वर्ड यूज कर सकता था लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो हम लोग को ऐसी आदत नहीं, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली पुष्पा मूवी हिंदी में रिलीज होगी, जो कि दिसंबर 17 को होगी, और इसका ट्रेलर कर ही आएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और तमिल में जो इसके ट्रेलर को देखे, तो उसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये है असली पैन इंडिया मूवी। जब कोई साउथ का सुपरस्टार, मेगा स्टार, आइकॉन स्टार, रिबल स्टार, जितने भी वहां के स्टार है, जब वो लोग पैन इंडिया मूवी बनाते हैं तो वो लोग इसी तरह की मूवी बनाते हैं। और यकीन मानो पुष्पा इज श्योर एंड श्योर ब्लॉकबस्टर। और इसी से जितने भी बॉलीवुड के जो बड़े स्टार है, मैं शाहरुख खान को हटा के बोल रहा हूँ, क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसा स्टार है जो एक मामूली मूवी को भी अलग लेवल पे लेके चला जाता है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे जितने वो कॉल स्टार बोलते हैं, उनको समझना चाहिए ऐसी मूवीज देखे कि ऑडियंस को आप ऐसी देखना है, पुष्पा जैसी मूवी या केजीएफ जैसी मूवी को। और वो लोग वही चूतपली वाली मूवीज बनाते हैं जो कि बिना सर पैर की होती है, और हद तो अब हो गई कि सारे के सारे साउथ की मूवी का रीमेक बनाने लगे। अरे भाई कुछ तो सीखो, देखो यार पुष्पा मूवी का ट्रेलर देखो, ट्रेलर में ही आपको एक बड़ी मूवी का हिंट मिल जाता है, और साथ साथ इतना बड़ा ट्रेलर होने के बावजूद भी कहानी पूरी तरह से खुली नहीं है, और यही तो एक साउथ वालों की अच्छी चीज है। उसके अलावा देखो क्या मेहनत की है, एक एक डिटेल आप लोग फील करोगे। सबसे पहली बात तो लोकेशंस देखो, कैमरा वर्क देखो, कैमरा एंगल देखो, और हर एक कैरेक्टर आप लोग जो ट्रेलर में देखोगे तो ऐसा लगता है कि कोई कॉमिक कैरेक्टर है, मतलब अपने आप में सब लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर है, चाहे वो हीरो हो या विलन हो। एक छोटा छोटा कैरेक्टर भी आप लोग नोटिस करोगे ट्रेलर में कि हाँ यार कितनी मेहनत की है सुकुमार सर ने, और ये सिर्फ साउथ इंडस्ट्री वाले ही कर सकते हैं। और अगर अल्लू अर्जुन की बात करूं तो भाई ये उन एक्टर्स में से एक है कि जिसको जो रोल दो भाई वो उस रोल में सूट हो जाता है। कोई बोल सकता है कि आला वेकंतपुरम में भाई यही एक्टर था, देखो कितना बदलाव किया अल्लू अर्जुन ने अपने गेटअप में, अपने चलने में, वो ऐसा कंडा और जिस तरह से वो डायलॉग बोल रहा है, जो उसका एक्सप्रेशन है भाई, इतना टैलेंटेड एक्टर साउथ में मिलेंगे। और पुष्पा डेफिनेटली भाई ये मूवी चलना ही चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत और इस लेवल का जो हाइप क्रिएट हुआ, वो हाइप पूरी फुलफिल हुई है भाई ट्रेलर देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पुष्पा मूवी देखने का एक और रीजन वो है भाई अपने फहद फासिल, वो एक ऐसे एक्टर है जो आंखों से एक्टिंग करते हैं, और इस मूवी में जो टकला, जो उनका गेटअप है, वो गेटअप में मतलब पैसा वसूल है, और सिर्फ उनका छोटा सा पार्टी का पुष्पा, तो वो डायलॉग थी मजा आ गया। और मुझे ऐसा लगता है कि फहद फासिल यार अपने करियर का सबसे डिफरेंट रोल करेंगे। हालांकि फहद फासिल उन मलयालम एक्टर्स में से एक है जो काफी चैलेंजिंग रोल करते हैं, और बहुत ही इजीली ऐसा लगता है कि वो उस किरदार को निभा रहे, हालांकि वो रोल बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन फहद फासिल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और इस मूवी में भी जो उनका रोल होने वाला है एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर आई थिंक, पता नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा भाई वो बहुत ही कमाल करने वाले हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर सब लोग वो दमदार लग रहे हैं। और रश्मिका मंदाना की बात तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लॉन्ड है जो कि उनके लिए पर्टिकुलर मूवी को देखेंगे, एक्सप्रेशन क्वीन है मैं तो बोलूंगा, और वो भी अपने रोल में बहुत ही गजब की एकदम बोलते हैं ना, वो भी ऐसा लग रहा है कि भाई इसी पर्टिकुलर रोल के लिए बनी है। अब देखते हैं कि भाई पुष्पा मूवी कितना तहलका मजा आती है। हालांकि ये स्पाइडरमैन नो वे होम से सीधा टक्कर कर रही है, लेकिन अगर स्पाइडरमैन नो वे होम से हमारे इंडिया में कोई मूवी टक्कर कर सकती है आज की तारीख में, तो भाई वो है पुष्पा। उसके अलावा केजीएफ और आरआरआर थी, हालांकि केजीएफ आरआरआर तो नहीं आ रही है, लेकिन जो आ रही है वो डेफिनेटली स्पाइडरमैन को टक्कर देगी। अब देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर क्या होता है। फिलहाल तो भाई मेरी गुड विशेस है पुष्पा और उसकी टीम के साथ, अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने कि आपको ये ट्रेलर कैसे लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मूवी होना चाहिए। और आप लोग 100, 150, 200, 300 जा रहे तो इसी तरह की मूवी देखने जाओ भाई, रीमेक से दूर रहो, और ऐसी मूवी मत देखो जहां पर आपको चूतिया कट रहा है। तो जाना है तो ऐसी मूवी जाओ, वरना भाई
फिल्मों को टाटा वाई वाई कर दो। तो यार पास ही जुड़ो, मैं इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोगों की मर्जी, वैसे ही बहुत कम वीडियोस बनाता हूं और अभी भी रात के 1:45 बजे सुबह ये वीडियोस अपलोड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल्लर बाय।